योग भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्म का सिरमौर है। योगाचार्य श्री महावीर सैनिक जी गत 5 दशकों से भी अधिक समय से भारत में योग विद्या के प्रचार प्रसार कार्यों में अग्रणी रहे हैं। महावीर जी प्राचीन योग विद्या को आधुनिक शैली के अनुरूप सहज रूप में सिखाते हैं। योग विद्या केवल क्रिया और आसन तक सीमित नहीं, यह अपने आप में एक जीवन शैली है। भारत की विख्यात FMCG कंपनी रुचि सोया के संस्थापक और MD श्री दिनेश शाहरा जी महावीर जी के शिष्यों में अग्रणी हैं। वे मानते हैं कि उनकी अनेक सफलताओं का श्रेय योग अभ्यास को जाता है। सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर दिनेश शाहरा फाउंडेशन का यह वीडियो एक छोटा सा प्रयास है। आज ये दिन मेरे लिए अहोभाग्य है कि महावीर जी घर पधारे हैं। हर वीक में वो आके मुझे योग सिखाते हैं और मैं मानता हूँ कि योग एक साइंस है, विज्ञान है और ये हमारी मदद करता है कि हम शरीर, मन और हमारे अंदर जो अद्वितीय शक्ति है जिसको कि हम प्रायः चेतना के रूप में बोलते हैं। महावीर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द आपको इसके बारे में कहें। खाने और के प्रति क्या सावधानी बरतना चाहिए एक योगिक व्यक्ति को? हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो इस पर काम हुआ है, आयुर्वेद यहाँ के ये देश की इजाद है, हजारों लाखों साल का अनुसंधान है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सुबह कुछ दूसरा सही था, शाम को कुछ दूसरा सही हो जाए। उन्होंने मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, रुग्णता के हिसाब से, हमारी पाचन शक्ति के हिसाब से बहुत अच्छे से तय किया है। और वो जो कुछ भी हम खाते हैं वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये 7 भागों में उसका एसेंस और सटल लेवल पर चला जाता है और तब व्यक्ति में ये सामर्थ्य होती है कि वो किसी भी चीज़ का सामना कर सकता है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो जागरूकता के साथ हमने खाया, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई वो देखें तो मेरे समाज में 12-1 महीने में पता लग जाएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ है। बेमेल चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे दूध अकेला ही पेट में खुश रहता है, उसके साथ कुछ और होगा तो पेट तकलीफ में आएगा। मेलन्स जो हैं, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, पपीता, पपैया है, ये अकेला है तो आराम से हजम हो जाएगा, दूसरी चीज़ों के साथ लिया गया तो दिक्कत होगी। जैसे 2 तरह के प्रोटीन्स एक साथ लिए गए कि आप दाल भी खा रहे हैं और दही भी खा रहे हैं, एक एनिमल प्रोटीन है, एक वेजिटेबल प्रोटीन है, वो उतने आसानी से हजम नहीं होगा। आपको एक कटोरी दाल खानी है, एक कटोरी दही खाना है तो ऐसा कीजिए 2 कटोरी दही खा लीजिए या 2 कटोरी दाल खा लीजिए, दूसरे दिन चेंज कर लीजिए। चीज़ें दोपहर को बहुत सारी चीज़ें आराम से हजम हो जाएंगी। हमारी जठराग्नि सूरज जैसे जैसे चढ़ता है वो बढ़ती है, जैसे जैसे सूरज ढलता है वो कम होती चली जाती है। आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें माना गया है कि सूर्यास्त के पहले या उसके आसपास खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा लेट होगी ना उतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे तो लगता है लेट नाइट और लेट डिनर नहीं होते ना तो हम योगा टीचर्स आधे से ज़्यादा तो वापस अपने गाँव चले जाते। आज की युवा पीढ़ी जो है बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा रुचि दिखा रही है और उसके लिए नॉन वेजिटेरियन फूड खाना चाहती है, एग्स खाना चाहती है और उनको ऐसा लगता है कि इसके बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी। तो वेजिटेरियन लोग की बड़ी समस्या है, वो क्या ऐसा करें, क्या उनके लिए ज़रूरी है? और यदि है तो, वो नहीं है तो क्या करें? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे ट्रॉपिकल कंट्री में जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ वो नॉनवेज कितनी देर तक पेट में रुकेगा, और वो जिस जानवर को काटा गया है उस समय उसकी बॉडी केमिस्ट्री में जो भय की वजह से, फियर की वजह से जो टॉक्सिन्स आए हैं, वो प्रसाद तो मिलने वाला है, वो कोई महर्षि दधीची तो है नहीं कि तुम ये मैं देता हूँ तुमको वज्र बना लो।
एक अंडा खाने के बाद मेडिकल साइंस वालों का मानना है कि एक सप्ताह तक कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। वो बोलते हैं ये अंडा है वो तो चिड़िया का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, अगर कुछ और अवेलेबल नहीं है तो जो कुछ है उसे काम चलाना पड़ेगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो चीज़ जिसमें खाते ही एनर्जी आए, जो भी सीजनल चीज़ें हैं, अनाज वज़न नहीं बढ़ाता, सब्जियां वज़न नहीं बढ़ाती, फल वज़न नहीं बढ़ाते, ड्राई फ्रूट्स वज़न नहीं बढ़ाते, स्प्राउट्स वज़न नहीं बढ़ाते, अगर बेमेल नहीं खाया गया तो आराम से हजम होंगे। योग वाले को थोड़ा पता लगता है कि उसने जो अवेयरनेस पाई, जो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, जो शांति है, वो जिसमें भंग होगी ना वो दोबारा नहीं खाएगा। जैसे आदमी स्ट्रेस में है, तनाव में है, वो नमकीन नहीं खाएगा, खट्टा नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा, उसको उसका विटामिन सी का कंजम्पशन 4 गुना बढ़ गया है, तो उसको चाहिए। तो हम नियम बनाएंगे ना कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तो गटर अमावस्या आएगी, नियम से नहीं चलेगा। हमें वो जहाँ से मांग पैदा होती है ना, वो बॉडी केमिस्ट्री को, देह रासायनिक को, उसको योग से एड्रेस करना होगा। जब हमारी मांग बदलेगी तो फिर जो चीज़ें शास्त्रों में गलत बताई हैं वो अपने आप गलत हो जाएगी, भीतर से गलत होंगे। वरना मुझे किसी ने बोला तू पापड़ मत खाना और पापड़ मेरा प्रिय है, मैं शायद अगले सप्ताह से रोजाना सपने में पापड़ खाने लगूं। योग में मानते हैं जो कुछ भी खाना है ना थॉरली एंजॉय करके खाओ, फिर देखो ये तुम्हारे लिए अनुकूल है कि नहीं, अनुकूल नहीं है तो इससे कुछ बेटर है वो खाओ। जैसे साल में 2-4-5 बार मुझे मिर्च खाने की इच्छा होती है, मिर्च खाकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी पूरे साल में मिर्च की मांग नहीं होती, तो जो मांगता है उसको दे दो ना। अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हमारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ रहा है, तो हमें टेस्ट बड्स कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक मजाक सुनाता हूँ कि जीभ क्या काम आती है। तो किसी ने बोला टिकट चिपकाने के, लिफाफे चिपकाने के काम आती है जीभ का। एक उपयोग किए उसको मोड़ कर अंदर ले जाइए, दूसरा ये उसकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ाइए कि वो शीतली सितकारी करके और ठंडक ले ले, और वो भोजन के बारे में हमें बिल्कुल ठीक से बता पाए कि ये स्टेल है, बासी है, ये ताज़ा है। अगर ठीक भावना से बना है ना तो वो जीभ पर जाते ही पता लगेगा बनाने वाला व्यक्ति शांत था कि नहीं। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के एक प्रसिद्ध संत रहे हैं, वो एक बार अपने लड़के से मिलने के लिए गए जो कोई राजनीतिक वजह से कैद में थे। वो लड़के ने बोला पिछले 3 दिन से ऐसा हो रहा है, मैं रात में सपना देखता हूँ, मैं माँ को घसीट करके बाहर लाता हूँ और छुरा मार करके हत्या कर देता हूँ। तो स्वामी जी ने पता लगाया तो पता लगा कि 3 दिन से रसोईया बदला है और उसने अपनी माँ की ऐसे हत्या की है। तो वो जो यजा महे है ना, इसमें 33 कोटि देवता बैठे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपनी जागरूकता और ऊर्जा को बढ़ाइए। रास्ता भीतर से बाहर आएगा, ज्ञान भीतर से बाहर आएगा, इम्यूनिटी भीतर से आएगी, रुग्णता का समाधान भीतर से होगा। धुएं का इलाज नहीं कीजिए, आग का इलाज कीजिए। योग आयुर्वेद आग का इलाज है।